Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So इस वीडियो में हम लोग हमारे NLP कोर्स का लेक्चर 5 कवर करने जा रहे हैं और इस लेक्चर का टॉपिक है वर्ड टू वेक. सो लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक देखा था, जहाँ पे हमने टेक्निक्स देखे थे लाइक बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF. इस वीडियो में हम उसी का थोड़ा एडवांस फॉर्म देखने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड टू वेक. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि वर्ड टू वेक क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद हम उसका डीप इंटरनल वर्किंग समझेंगे, थोड़ा सा डीप लर्निंग इन्वॉल्व होगा, और फाइनली मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के डेटा के ऊपर वर्ड टू वेक मॉडल ट्रेन करके दिखाऊंगा एंड वहां पर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे. ठीक है, सो एक हफ्ता डिले हो गया था ये पूरा कोर्स, सॉरी अबाउट दैट. अभी आगे से विल ट्राई टू कंटिन्यू सही पेस पर. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द इंट्रो आई गेस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, ये लेक्चर है तो वर्ड टू वेक के ऊपर, बट उसके पहले मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको हम बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग्स. ठीक है, सो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में कुछ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स पढ़ी थी लाइक बैग ऑफ वर्ड्स या फिर TF-IDF. ठीक है, सो और इस लेक्चर में हम लोग वर्ड टू वेक पढ़ने वाले. सो ये जो सारी टेक्निक्स हैं इनको आप कलेक्टिवली वर्ड एम्बेडिंग्स बोलते हो. ठीक है, वर्ड एम्बेडिंग्स क्या होता है एक बार वो डिस्कस करते हैं और फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है, सो इन NLP word embedding is a term used for representation of words for text analysis typically in the form of real valued vector, theek hai, that encodes the meaning of the word such that the word that are closer in the vector space are expected to be similar in meaning. Bahut simple, agar aap samjho to is pure definition ka matlab bas itna hai कि वर्ड एम्बेडिंग एक ऐसी टेक्निक को बोला जाता है जहां पर आप वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास एक वर्ड है किंग और इसको आपने एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया 24:19 लेट्स से. अब ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने एक वर्ड को एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया लाइक अगर आप इसको चाहो तो एक एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर सकते हो like this, this is 24:19, so this is a vector. ठीक है, तो word embedding is basically a technique using which you can convert a word to a vector. और since अब ये vector में आप convert कर चुके हो, let's say अगर आपके पास एक और word है queen, तो वो भी एक vector होगा और जो similar vectors होंगे वो pass pass होंगे. इस पूरे definition का बस यही मतलब है. so आपने जो last video में TF-IDF पढ़ा था या फिर आपने word bag of words पढ़ा था और इस वीडियो में जो आप वर्ड टू वेक पढ़ने वाले हो, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो एसेंशियली वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स ही हैं. इन सब का काम सेम है कि ये वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं सो दैट मशीन्स उनको समझ पाए और उनके ऊपर एल्गोरिदम्स अप्लाई हो पाए. ठीक है, अब अगर आप टाइप्स ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स का बात करो तो दो टाइप्स होते हैं. एक होता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड और एक होता है प्रिडिक्शन बेस्ड. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी बेस्ड में आप फ्रीक्वेंसी काउंट के बेसिस पे ये नंबर्स डिसाइड करते हो और फ्रीक्वेंसी बेस्ड का एग्जांपल हुआ बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF. एक और बहुत फेमस है जिसको हम बोलते हैं ग्लोव. ग्लोव स्टैंड्स फॉर ग्लोबल वेक्टर. ठीक है, ये एक टेक्निक के ऊपर बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं मेट्रिक्स फैक्टराइजेशन. शायद आपने कभी पहले पढ़ा होगा. ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, फ्यूचर के किसी वीडियोस में हम ग्लोव को कवर करेंगे. अब अगर आप बात करो प्रिडिक्शन बेस्ड, सो प्रिडिक्शन बेस्ड में क्या होता है कि ये जो वर्ड टू वेक्टर कन्वर्जन होता है ये किसी एल्गोरिदम के प्रिडिक्शन के बेसिस पे होता है. ठीक है, अब ये एल्गोरिदम जनरली डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वर्ड टू वेक जो हम लोग इस वीडियो में पूरा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, सो मैं बस आपको ये वर्ड एम्बेडिंग टर्म समझाना चाहता था वीडियो को स्टार्ट करने के पहले और आपको ये पूरा लैंडस्केप समझाना चाहता था कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड, क्या होता है प्रिडिक्शन बेस्ड और कौन सी टेक्निक्स किस अम्ब्रेला टर्म के अंदर आती है. ठीक है, अब हमें वर्ड एम्बेडिंग समझ में आ गया, अब हम लोग समझने का स्टार्ट करेंगे व्हाट इज वर्ड टू वेक. सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वेक को डिस्कस करना. ठीक है, सो वर्ड टू वेक
थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ये डीप लर्निंग बेस्ड टेक्निक है, तो उसको डीप में समझने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, बट मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ओवरव्यू मिलेगा कि ये है क्या. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज वर्ड टू वेक? अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि इट इज अ वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक. ठीक है, जिसका काम है गिवेन वर्ड को वेक्टर एज इन कलेक्शन ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करना. क्यों चाहिए होगा वर्ड टू वेक? वर्ड टू वेक की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्टली वर्ड्स को प्रोसेस नहीं कर सकते, वर्ड्स के ऊपर एल्गोरिदम सप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको नंबर्स चाहिए, एंड दैट इज वाई वर्ड टू वेक की जरूरत है. ठीक है, किसने बनाया? गूगल के इंजीनियर्स ने बनाया. 2013 में गूगल के इंजीनियर्स ने एक पेपर दिया जिसमें उन्होंने वर्ड टू वेक टेक्निक के बारे में बताया, उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया ये सब एक्सप्लेन किया उस पेपर में. हाईली रिकमेंडेड है वो पेपर पढ़ना, आप तुरंत आपको गूगल पे मिल जाएगा वो पेपर. सो गूगल के इंजीनियर्स ने बनाया. पुराने वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक से क्या डिफरेंट है? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा बैग ऑफ वर्ड्स या फिर TF-IDF, इनका काम भी सेम है, वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करना. तो फिर वर्ड टू वेक में ऐसा क्या डिफरेंट है वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट डिफरेंस ये है कि यहां पर आप वर्ड्स का सिमेंटिक मीनिंग निकाल सकते हो, मतलब हैप्पी एंड जॉय, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, ये TF-IDF और बैग ऑफ वर्ड्स नहीं बता पाते थे. ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज था पुरानी टेक्निक्स का. वर्ड टू वेक इस तरह के रिलेशनशिप्स कैप्चर कर सकता है कि हैप्पी और जॉय बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज यही है वर्ड टू वेक का कि जो सेमांटिक मीनिंग है लैंग्वेज का उसको कैप्चर कर पाता है वर्ड टू वेक. ठीक है, सेकेंड फायदा क्या है कि अगर आपको याद होगा तो बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि जब आप उन वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करते थे तो वो वेक्टर्स बहुत बड़े वेक्टर्स होते थे, मतलब बहुत हाई डायमेंशनल वेक्टर्स होते थे. लाइक मान लो कि 10,000 डायमेंशनल स्पेस का वेक्टर बन गया. ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लो डायमेंशन वेक्टर्स बनते हैं. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यहाँ पे जनरली आपके पास 100 to 300 के रेंज में वेक्टर्स बनते हैं, मतलब हर वर्ड को जब आप नंबर्स में कन्वर्ट करोगे, वेक्टर्स में कन्वर्ट करोगे, तो वो जो वेक्टर होगा वो 100 नंबर्स का कलेक्शन होगा, नहीं बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF की तरह 10,000 टाइप के बड़े नंबर का कलेक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि आपका कंप्यूटेशन फास्ट हो जाता है. बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप कम नंबर्स के साथ डील कर रहे हो तो जल्दी कैलकुलेशंस कर पाओगे. ठीक है, थर्ड एक और बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये डेंस वेक्टर होता है, डेंस वेक्टर. सो अगर आपको याद होगा बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF में एक और प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे जो वेक्टर में जो नंबर्स होते थे वो जीरो होते थे, जिसका मतलब ये है कि ये स्पार्स वेक्टर होता था, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस पे जो वैल्यू है वो जीरो है. वर्ड टू वेक में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पहले ही कम नंबर्स हैं और ये नंबर्स नॉन जीरो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इससे क्या फायदा होगा, ओवरफिटिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, तो ये तीन बड़े एडवांटेजेस हैं अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि वर्ड टू वेक का बैग ऑफ वर्ड्स या फिर TF-IDF जैसी टेक्निक्स के ऊपर क्या एडवांटेज है, तो तीन बड़े एडवांटेजेस हैं. पहला, सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर पाना, हैप्पी और जॉय सिमिलर वर्ड है ये समझ पाना, लो डायमेंशनल होना जिससे कंप्यूटेशन फास्ट हो जाता है, और डेंस वेक्टर होना मतलब नॉन जीरो वैल्यूज बहुत ज्यादा, जीरो वैल्यूज बहुत कम, जिसकी वजह से ओवरफिटिंग टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती. ठीक है, तो यहां तक ऑलरेडी हमें थोड़ा आइडिया मिल चुका है कि वर्ड टू वेक किस तरीके से काम कर रहा है और उसका क्या बेनिफिट है. ठीक है, अब वर्ड टू वेक बनता कैसे है? ये एक डीप लर्निंग टेक्निक है, थोड़ी देर के बाद हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसका आर्किटेक्चर क्या है और ये काम कैसे करता है, बट बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF से बहुत डिफरेंट है. डीप लर्निंग को यूज करके, न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके आप वर्ड टू वेक्स बनाते हो.
ठीक है, तो आई गेस यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ जहां पे मैं आपको कुछ वर्ड्स का वर्ड टू वेक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्री ट्रेन्ड वर्ड टू वेक मॉडल लेंगे। सो जब आप वर्ड टू वेक के साथ थोड़ा और काम करोगे तो यू वुड रियलाइज कि आप दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप पहले से किसी बने बनाए डेटा सेट के ऊपर जो प्री ट्रेन्ड मॉडल है उसको यूज कर लो, और सेकंड ये है कि आप अपने खुद के डेटा सेट के ऊपर खुद का ट्रेन किया हुआ मॉडल यूज करो। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। तो पहले, सिंस हमें अभी ज्यादा पता नहीं है वर्ड टू वेक के बारे में, मैं आपको प्री ट्रेन्ड मॉडल दिखाऊंगा जो पहले से किसी ने ट्रेन करके रखा है। ठीक है, हम बस उसको यूज करेंगे, और फ्यूचर में इसी वीडियो में थोड़ा आगे मैं आपको खुद के डेटा सेट के ऊपर भी वर्ड टू वेक मॉडल ट्रेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो अभी हम जो यूज करने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहां पर है। सो वी विल यूज द प्री ट्रेन्ड वेट्स ऑफ वर्ड टू वेक दैट वॉज ट्रेन्ड ऑन गूगल न्यूज कॉर्पस कंटेनिंग 3 बिलियन वर्ड्स। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 300 डायमेंशनल वेक्टर्स फॉर अ 3 मिलियन वर्ड फ्रेज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, सो हमारे पास अराउंड 3 मिलियन, मतलब 30 लाख वर्ड्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा पहले से, और वो हर वेक्टर 300 डायमेंशन का होगा, मतलब हमारे वेक्टर में देर वुड बी 300 नंबर्स। ठीक है, और ये जो डेटा सेट है, ये जिस चीज पे ट्रेन किया है वो है गूगल न्यूज डेटा सेट। ठीक है, सो गूगल न्यूज आपको शायद पता होगा, इट्स अ वेबसाइट जहां पे गूगल अलग अलग सोर्सेस से न्यूज एक्यूमुलेट करता है। इन्होंने न्यूज के डेटा सेट के ऊपर ये वर्ड टू वेक मॉडल ट्रेन किया है। सो बहुत बड़ा कॉर्पस है, अराउंड 3 बिलियन वर्ड्स, तो दैट इज वाई ये जो वर्ड टू वेक मॉडल है ये बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, तो मैं बस आपको अभी इसका एक डेमो दिखाता हूँ यूजिंग अ लाइब्रेरी कॉल्ड जेनसिम। अभी तक हमने इस लाइब्रेरी को यूज नहीं किया है इस कोर्स में, पहली बार हम इसको यूज करेंगे। तो कोड बहुत ही सिंपल है गाइस। सबसे पहले आपको जेनसिम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है गूगल कोलैब में, और जेनसिम डॉट मॉडल से आपको वर्ड टू वेक और कीड वेक्टर्स को इंपोर्ट करना है। आपको ये एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज आपका ये जो पूरा का पूरा मॉडल है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेन मॉडल है, इसको आपको पहले इस यूआरएल से AWS से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अराउंड 1.5 GB का ये पूरा का पूरा मॉडल है, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ये कोड लिखा और मैंने गूगल न्यूज़ वाले जो फाइल मैंने डाउनलोड की है उसको इम्पोर्ट करके मॉडल में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर ही वो 3 मिलियन वर्ड्स का वर्ड टू वेक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी वर्ड का, जैसे कि मॉडल के अंदर मैंने सर्च किया मैन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और अब मैं इसको जैसे ही रन कर रहा हूँ, ये देखो गाइस, मेरे इस वर्ड टू वेक मॉडल के हिसाब से मैन जो कि एक इंग्लिश का वर्ड है उसका न्यूमेरिकल एज इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये 300 नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर मैं इसका शेप निकाल के दिखाऊं तो यू वुड सी कि इसमें 300 नंबर्स हैं, ये देखो। सो आप जब इस पर्टिकुलर वर्ड टू वेक में कोई भी वर्ड डालो जो आपको लगता है कि गूगल न्यूज में आया होगा कभी ना कभी, जैसे कि लेट्स से मैं बॉटल डाल रहा हूँ क्योंकि तो मेरे टेबल पर एक बॉटल पड़ा हुआ है, तो मुझे यही समझ में आया, एंड यू कैन सी बॉटल में भी 300 नंबर्स आएंगे। एंड ऑब्वियसली ये जो 300 नंबर्स होंगे ये मैन के 300 नंबर्स से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि हम जब प्री ट्रेन मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी किसी भी गिवन वर्ड का अराउंड 30 लाख वर्ड्स का 300 नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आई कैन राइट क्रिकेट एंड अगेन आई विल गेट अ सेट ऑफ 300 नंबर्स विच विल रिप्रेजेंट क्रिकेट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैं बस आपको डेमो दिखाना चाहता था कि वर्ड टू वेक दिखता कैसा है। यहाँ पर एक दो चीजें जो आप क्लियरली देख सकते हो, पहला कि 300 नंबर्स हैं, हाई डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, सेकेंड ये जो नंबर्स सारे आपको दिख रहे हैं इसमें से ज्यादातर नंबर्स आपके नॉन जीरो हैं, जिसका मतलब ये समझ में आता है कि ये एक डेंस एरे है या डेंस वेक्टर है,
और ये नंबर्स में मोस्टली -3 से 3 के रेंज में लाई करते हैं, ठीक है? यहां तक आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अब आई नो आपको ये डेमो देख करके कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, जैसे कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इन नंबर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये नंबर्स टोटल मिला के 300 ही क्यों है, 400 भी हो सकता था, 500 भी हो सकता था, राइट? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये नॉन जीरो क्यों है। जीरो समझ में आता था जब आपने TF IDF या फिर बैग ऑफ वर्ड्स पढ़ा था, ठीक है? यहाँ पे नॉन जीरो का क्या मीनिंग है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे और ऑनेस्टली आने भी चाहिए, बट ये सब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद जब हम लोग इंट्यूशन पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज रियलाइज करवाना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो 300 नंबर्स का सेट है ये एक्चुअली एक वेक्टर है। सो इन अ वे मेरे पास 30 लाख वर्ड्स हैं और उनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे हर वेक्टर 300 नंबर्स से मिलके बना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो वेक्टर्स हैं ये 300 डायमेंशनल स्पेस में है। व्हाट इफ हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर ले कि ये 300 नंबर्स के बदले सिर्फ 2 नंबर्स से बने हैं, तो फिर ये 2D स्पेस हो जाता, और 2D स्पेस में अगर आप सोचो तो आप काफी सारी चीजें कर सकते हो वेक्टर्स को यूज करके। जैसे 2 वेक्टर्स के बीच का सिमिलैरिटी निकाल सकते हो, ठीक है? आप वेक्टर अरिथमेटिक कर सकते हो, मतलब वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एंड गेस व्हाट, जो भी चीजें आपने हाई स्कूल में वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ा था वो सारी चीजें आप यहाँ पर वर्ड टू वेक में ट्राई आउट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा जो जेनसिम लाइब्रेरी है उसमें एक मोस्ट सिमिलर बोल के आपका फंक्शन है, जहां पर अगर आप एक वर्ड प्रोवाइड करोगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, इंटरनली उस वर्ड को पहले वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और फिर उस वेक्टर से जो सबसे सिमिलर वेक्टर्स हैं या फिर वर्ड्स बोल सकते हो उनको फाइंड आउट करेगा, ठीक है? सो इन अ वे हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं इन अ 3D स्पेस, और फिर उसके जो क्लोजेस्ट और वेक्टर्स हैं, क्लोजेस्ट कैसे पता चलेगा, कॉस ऑफ दिस थीटा, ठीक है? कोसाइन सिमिलैरिटी के बेसिस पे तो हम वो निकाल रहे हैं, टॉप 10 क्लोजेस्ट वेक्टर्स। जैसे कि अगर आप मैन की बात करो तो जो क्लोजेस्ट वेक्टर है वो है वुमेन, और सिमिलैरिटी इज 0.76, ठीक है? मैन के क्लोजेस्ट है बॉय, टीनेजर, टीनेज गर्ल, गर्ल, रॉबर, रॉबर थोड़ा सा पता नहीं क्यों है बट है। अब इट डिपेंड्स एक्चुअली, गूगल न्यूज डेटा सेट है तो वहां पर मैन जितनी जगह पे आया है बहुत बार उस कॉन्टेक्स्ट में रॉबर भी आया है शायद, इसलिए मैन फिर भी उतना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लाइक क्रिकेट। सो क्रिकेट आने पे क्रिकेटिंग आ रहा है, क्रिकेटर्स आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट आ रहा है, 2020 आ रहा है। सो यू कैन सी किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, ODI आ रहा है, ठीक है? सिमिलरली अगर आप फेसबुक लिखो तो फिर ट्विटर आ रहा है, facebook.com आ रहा है, माई स्पेस आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे वर्ड आ रहे हैं, ठीक है? और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊं तो यहाँ पर एक और फंक्शन है जिसका काम है 2 गिवन वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करके उनके बीच का कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करना। जैसे मैन और वुमेन आपने जब पास किया तो सिमिलैरिटी वाज क्लोज टू 1.76। फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैन और PHP जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको डाला, एंड यू कैन सी द सिमिलैरिटी इज वेरी क्लोज टू 0, ठीक है? बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है यहाँ पर, डजेंट मैच बोल के, जहां पे आप एक एरे के अंदर मल्टीपल वर्ड्स पास कर सकते हो और ये उसमें से ऑड वन आउट निकाल देगा। जैसे मैंने भेजा PHP, जावा और मंकी, एंड यू कैन सी द आउटपुट इज मंकी बिकॉज मंकी डजेंट मैच PHP एंड जावा, ठीक है? तो ये तो कुछ फंक्शंस हो गए। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वेक्टर अरिथमेटिक कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, मैंने ये अरिथमेटिक अप्लाई किया, किंग माइनस मैन प्लस वुमन, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? किंग में से मैन को हटाओ वुमन को जोड़ो तो क्या बनेगा?
हमने मोस्ट सिमिलर में जैसे ही डाला, यू कैन सी दीज आर द आउटपुट्स, टॉप 10 सिमिलर वर्ड्स। किंग आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्वीन आना चाहिए, क्वीन आ रहा है सेकंड नंबर पे। मोनार्क आ रहा है, प्रिंसेस आ रहा है, सुल्तान, क्वींस, रूलर। ठीक है, तो यू कैन सी क्वीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, INR, जो कि इंडिया का करेंसी है, माइनस इंडिया प्लस इंग्लैंड। ठीक है, सो मैंने इंडिया की करेंसी में से इंडिया को हटा के इंग्लैंड जोड़ दिया, एंड यू कैन सी द आंसर इज GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड या ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो भी होगा। एंड यू कैन सी बाकी के भी जो चीजें हैं वो करेंसीज ही आ रही है। ठीक है, सो यू कैन सी इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप भी बैठ के कुछ इस तरह के एग्जाम्पल सोचो और उसको ट्राई आउट करो। ठीक है, देर वुड बी अ प्रॉब्लम सिंस ये 30 लाख वर्ड्स हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है ये कैलकुलेट होने में, बट आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ट्राई करने चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक डेमो दे दिया वर्ड टू वेक का, थोड़ा सा आपको फील आ गई है इस चीज की। अब हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि इन नंबर्स के पीछे क्या छुपा हुआ है, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये नंबर्स आते कैसे हैं, ये हमें नेक्स्ट समझना है। अब गाइज, वर्ड टू वेक का इंटरनल वर्किंग समझने के पहले हमें इसका इंट्यूशन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको इसका इंट्यूशन समझाता हूँ एकदम स्क्रैच से। सो लेट्स से हमें वर्ड टू वेक बनाना है खुद से, ये एल्गोरिदम हमें क्रिएट करना है। तो बेसिकली वर्ड टू वेक का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडा है वो ये है कि आप वर्ड्स के बीच में सिमेंटिक मीनिंग खोज लेते हो। ठीक है, मतलब दो वर्ड्स का मीनिंग कितना रिलेटेड है ये आपको पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे? ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक वोकैबुलरी है जिसमें 5 वर्ड्स है, किंग, क्वीन, मैन, वुमेन एंड मंकी। ठीक है, और हमें एक वर्ड टू वेक टाइप का मॉडल बनाना है जहां पे हम इन वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और वो वेक्टर्स ऐसे होंगे कि वो इन वर्ड्स के मीनिंग को कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक फंडा जो वर्ड टू वेक अप्लाई करता है वो ये है कि वो फीचर्स क्रिएट करता है, फीचर्स क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि अब इस वोकैबुलरी के लिए मैं कुछ फीचर्स क्रिएट कर रहा हूँ। अब अगेन ये फीचर्स मैं अपने हिसाब से, अपने लॉजिक से, अपने नॉलेज से क्रिएट कर रहा हूं। जैसे कि एक फीचर है जेंडर, ठीक है, जेंडर। दूसरा फीचर है वेल्थ, एज इन पैसा कितना है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर करना। नेक्स्ट है पावर, पावर कितना है। उसके बाद वेट कितना है, वजन। और लास्टली बोल पाता है कि नहीं। ठीक है, ये मेरे फीचर्स हैं। ठीक है, किसने से डिसाइड किए, मैंने डिसाइड किए। ठीक है, फिलहाल अब मैं क्या करूंगा, इन फीचर्स के बेसिस पे इन वर्ड्स को वैल्यू असाइन करूंगा। जैसे कि लेट्स से जेंडर के लिए हमने असाइन किया 1, किंग मेल है तो मेल को 1 असाइन किया, क्वीन को 0 असाइन किया, मैन को 1 असाइन किया, वुमेन को 0 असाइन किया, मंकी लेट्स से मेल मंकी है तो 1 असाइन किया। ठीक है, वेल्थ की अगर आप बात करते हो कि कितना रिच होता है कोई, तो किंग बहुत रिच होते हैं तो हमने 1 असाइन कर दिया, क्वीन भी इक्वली रिच होती है तो 1 असाइन कर दिया, मैन मान लो ऑन एन एवरेज 0.3 रिच होता है, और वुमेन भी ऑन एन एवरेज 0.3 रिच होती है, मंकी के पास पैसे नहीं होते, 0 डाल दिया, पावर किंग के पास बहुत ज्यादा होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो क्वीन के पास थोड़ा कम होता है, ऑन एन एवरेज मैन के पास, कॉमन मैन के पास बहुत कम पावर होता है, कॉमन वुमेन के पास भी बहुत कम पावर होता है, मंकी के पास एकदम भी नहीं होता। वेट की अगर आप बात करो तो मान लो किंग थोड़ा मोटा है तो उसका वेट है मान लो क्लोज टू 0.8, ऑन एन एवरेज क्वीन का वेट है 0.4, मैन का वेट है 0.6 और वुमेन का वेट है 0.5 और मंकी का वेट है 0.3। बोल सकता है किंग भी, बोल सकता है क्वीन भी, बोल सकता है मैन भी, बोल सकता है वुमेन भी, बोल सकती है, मंकी नहीं बोल सकता। ठीक है,
अब अगर मैं किंग को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये रहा वो वेक्टर, ठीक है? अगर मैं मंकी को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये रहा वो वेक्टर, लाइक दिस, ठीक है? सो अगर मैं आपको एकदम रफ इंट्यूशन देने का ट्राई करूं तो इंटरनली वर्ड टू वेक क्या कर रहा है, वर्ड टू वेक फीचर्स क्रिएट करता है डिपेंडिंग ऑन योर वोकैबुलरी, ठीक है? ये फीचर्स ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि मेरे वोकैबुलरी में ऐसे वर्ड्स, ठीक है? और फिर उन फीचर्स के अगेंस्ट वैल्यू असाइन करता है हर वर्ड को, ठीक है? अब सिंस ये वेक्टर्स हैं, आप क्या कर सकते हो कि आप किंग में से मैन को सब्ट्रैक्ट करके वुमेन को ऐड कर सकते हो एंड यू विल गेट समथिंग क्लोजर टू क्वीन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इनफैक्ट आप ट्राई करके देख सकते हो, जैसे कि ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? सो मैं क्या कर रहा हूँ, किंग ये वाला ऑपरेशन कर रहा हूँ, किंग माइनस मैन प्लस वुमेन, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है? जेंडर के लिए वैल्यूज डालते हैं 1, मैन के लिए 1 और वुमेन के लिए 0, तो ये हो जाएगा 0। वेल्थ के लिए किंग का 1 माइनस मैन का 0.3 प्लस वुमेन का 0.3, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 1। उसके बाद पावर के लिए डालते हैं 1 माइनस मैन का 0.2 प्लस वुमेन का भी 0.2, ये भी हो गया 1। और उसके बाद वेट का डालते हैं, किंग का है 0.8, मैन का है 0.6 और वुमेन का है 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 0.7 के आसपास। उसके बाद लास्ट है स्पीक, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 1। और अगर आप ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखो 0 1 1 0.7 1, तो ये बहुत क्लोज आता है आपके क्वीन के आसपास, ठीक है? तो ये तो मैंने बहुत रफली वैल्यूज डाली थी, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है? दिस इज व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स, ठीक है? बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपकी जो वोकैबुलरी होगी, हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही वर्ड्स की वोकैबुलरी थी, रियल वर्ल्ड में आपके पास लैक्स में होगा ये नंबर, लैक्स में ये नंबर होगा। लाइक जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले गूगल वाला दिखाया जिसमें 30 लाख वर्ड्स थे, अब 30 लाख वर्ड्स के लिए इस तरह का फीचर्स को हैंडक्राफ्ट करना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपको कुछ ऑटोमेटेड टेक्निक यूज करना पड़ेगा जहां पर खुद से ये फीचर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है? एंड दैट इज वेयर न्यूरल नेटवर्क्स कम इन टू द पिक्चर। न्यूरल नेटवर्क यही करते हैं, ठीक है? थोड़े आगे जब हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ वर्ड टू वेक, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे न्यूरल नेटवर्क ये फीचर्स क्रिएट करता है, ठीक है? अब उससे क्या होता है कि आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती और सारा टास्क बहुत ईजी हो जाता है, बट उसका एक डाउनसाइड भी है। डाउनसाइड ये है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये फीचर क्या है। जैसे मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ कि ये जेंडर है, ये सारी वैल्यूज जेंडर की हैं। जब आप न्यूरल नेटवर्क में इसको डालोगे, यू वुड नॉट नो कि ये जेंडर है, ये वेल्थ है, ये पावर है। ये बेसिकली फीचर्स हो जाएंगे लाइक F1, F2, F3 एंड सो ऑन। आपको बस ये पता होगा कि इस फीचर का वैल्यू क्या है, आपको ये नहीं पता होगा कि ये फीचर क्या है, ठीक है? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक इंट्यूशन दे दिया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और डेवलप करेगी। सो गाइज, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे एक ब्लॉग से मिली, उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो इस ब्लॉग में जिस बंदे ने ब्लॉग लिखा उसने क्या किया कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास हर वर्ड के लिए 300 नंबर्स का सेट है। सो इस बंदे ने क्या किया कि उन 300 नंबर्स में से सिर्फ 50 नंबर्स को लिया, बाकी सबको फिलहाल हटा दिया। लेट्स से हमने फर्स्ट 50 नंबर्स को लिया और उसको कलर एनकोड कर दिया, ठीक है? सो जितना पॉजिटिव नंबर उतना रेडिश शेड,
और जितना नेगेटिव नंबर उतना ब्लूइश शेड, ठीक है। और उसने फिर क्या किया कि ये कुछ वर्ड्स निकाले, वुमेन, गर्ल, बॉय, और इन सब का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था उसका कलर एनकोडिंग साइड बाय साइड सामने रख दिया, सो दैट आपके पास जो 50 फीचर्स हैं, ओरिजिनली तो 300 थे बट हम उनमें से पहले 50 फीचर्स के बारे में बात करेंगे, हमारे सामने वो उसने रख दिए, ठीक है। अब इससे आपको क्या होगा कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी, मतलब वी डोंट नो कि ये फीचर्स क्या है, ये F1 क्या है मुझे नहीं पता, F2 क्या है मुझे नहीं पता, F50 क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मैं ये देख सकता हूं कि अक्रॉस फीचर किस तरह का बिहेवियर है अलग अलग वर्ड्स के लिए। जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये वाला फीचर देखो, ये वाला फीचर, सो फॉर वुमन, गर्ल, बॉय, मैन, किंग, क्वीन, सभी के लिए ये एकदम डार्क ब्लू है, मतलब नंबर बहुत ही नेगेटिव है, बट वाटर के लिए बहुत ही लाइट शेड ऑफ ब्लू है, मतलब 0 के आसपास। तो इन अ वे मतलब हमें नहीं पता ये फीचर क्या है, बट हो सकता है कि ये है, ये फीचर कुड बी अलाइव, जिस चीज की आप बात कर रहे हो क्या वो अलाइव है कि नहीं। तो वुमेन, गर्ल, बॉय, मैन, किंग और क्वीन, इन सब में सिमिलैरिटी क्या है कि वो अलाइव है, वाटर अलाइव नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नोटिस करोगे तो आपको गर्ल और बॉय में बहुत सारे फीचर्स सिमिलर दिखेंगे, जैसे कि ये फीचर देखो, ये फीचर इन दोनों में बहुत सिमिलर है, बाकी सब में बहुत अलग है। अब हो सकता है कि गर्ल और बॉय में हो सकता है यूथ की बात हो रही हो, जवानी की बात हो रही हो, जो बाकियों में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किंग और क्वीन की बात करो तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फीचर्स सिमिलर दिखाई देंगे। आई डोंट नो, लेट्स से दिस वन, ठीक है, या फिर लेट्स से दिस वन, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप इसको देखोगे बैठ के तो आपको दिखने लग जाएंगे पैटर्न्स, आपको दिखाई देगा कि मैन और वुमेन कई एस्पेक्ट्स में सिमिलर है, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो 300 नंबर्स हैं वो सब के सब एक एक फीचर का वैल्यू है, ठीक है। अब वो फीचर क्या है वो मुझे नहीं पता, बट उन फीचर के वैल्यूज को आप कंपेयर करके एक रफ आइडिया निकाल सकते हो कि वो फीचर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मुझे आपको दिखाना था। अब ये तो क्लियर हो गया कि डीप लर्निंग के थ्रू आप फीचर्स क्रिएट करते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली, बट ये कैसे डिसाइड होता है कि वो फीचर क्या होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करने का जो कोर लॉजिक है, जो वर्ड टू वेक फॉलो करता है, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, वो इस लॉजिक पे बेस्ड है। सो एक बार मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं। सो यहां पे लिखा है, द अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ वर्ड टू वेक इज दैट टू वर्ड्स शेयरिंग सिमिलर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो शेयर अ सिमिलर मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली अ सिमिलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मॉडल, ठीक है। तो ये जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका लॉजिक ये है कि जब भी दो वर्ड्स सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं तो वर्ड टू वेक समझता है कि वो सिमिलर होंगे। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, द फुटबॉल प्लेयर टुक अ शॉट, और यहां पे लिखा हुआ है द हॉकी प्लेयर टुक अ शॉट। अब अगर आप नोटिस करो तो फुटबॉल और हॉकी सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं, तो वर्ड टू वेक इस तरीके से फीचर्स क्रिएट करेगा कि वो ये समझने का ट्राई करेगा कि फुटबॉल और हॉकी सिमिलर स्पोर्ट है, ठीक है। क्रिकेट में ये बात नहीं हो रही है, तो क्रिकेट थोड़ा डिससिमिलर स्पोर्ट है। सो ये कोर फंडा है, इस फंडे को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि कैसे सिमिलर कॉन्टेक्स्ट से आप फीचर्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जब हम थोड़ा आगे वर्ड टू वेक का आर्किटेक्चर समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ड टू वेक के दो आर्किटेक्चर्स हैं जिसकी वजह से दो टाइप का वर्ड टू वेक आपको दिखाई देगा। सो पहला जो आर्किटेक्चर है
उसको बोला जाता है सीबाओ, कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और जो सेकंड है उसको बोला जाता है स्किप ग्राम। इन दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि ये दोनों न्यूरल नेटवर्क्स, अगर आपने थोड़ा भी कभी डीप लर्निंग पढ़ा होगा तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये दोनों बस न्यूरल नेटवर्क्स हैं, शैलो न्यूरल नेटवर्क्स जिसमें बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं है, और बस आर्किटेक्चरल डिफरेंस है इन दोनों में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इन्हीं दोनों की वजह से दो टाइप्स ऑफ वर्ड टू वेक आपको दिखाई देंगे फ्यूचर में। सो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एक एक करके सीबाओ और स्किप ग्राम दोनों का आर्किटेक्चर समझेंगे, और इस आर्किटेक्चर को पढ़ने के प्रोसेस में क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा वर्ड टू वेक का, ठीक है। सो आगे का जो दो सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा होगा अगर आपको थोड़ा सा डीप लर्निंग का नॉलेज हो, बट अगर नहीं भी है तो मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ऑल्सो आई विल शेयर सम लेक्चर्स ऑफ माइंड जहां पे मैंने डीप लर्निंग के बेसिक्स पढ़ाए हैं, सो दैट अगर आप वो पढ़ो तो थोड़ा और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओ वर्ड टू वेक का जो इंटरनल वर्किंग है, ठीक है। सो गाइज, अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि वर्ड टू वेक काम कैसे करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि उसके दो टाइप्स हैं, सीबाओ और स्किप ग्राम। हम लोग पहले सीबाओ डिस्कस करेंगे, विच इज कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और इसको डिस्कस करने के प्रोसेस में आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्ड टू वेक किसी वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहां पर स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि हम लोग डायरेक्टली किसी वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते यूजिंग वर्ड टू वेक। सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ फेक प्रॉब्लम, वी टेक अ फेक प्रॉब्लम और हम इस फेक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी ट्राई टू सॉल्व दिस फेक प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करने के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट मुझे वो वेक्टर मिल जाता है। सो दिस वेक्टर इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ फेक प्रॉब्लम, या फिर आप इसको डमी प्रॉब्लम बोल सकते हो। एक ऐसा प्रॉब्लम जो हमने खुद से क्रिएट किया, पहले से नहीं था, हमने खुद से क्रिएट किया, ठीक है। अब ये पूरी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कॉर्पस है, ठीक है, और वो कॉर्पस सिर्फ 5 वर्ड्स का है, ठीक है, और उसपे लिखा हुआ है वॉच कैंपस एक्स फॉर डेटा साइंस। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉर्पस है, इसमें 5 अलग वर्ड्स हैं एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। मेरा काम क्या है कि मुझे इस डेटा के अकॉर्डिंग इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि वॉच एक वर्ड है, मुझे इसको नंबर्स में या वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और फॉर नाउ मैंने डिसाइड किया है कि मेरे वेक्टर में 3 डायमेंशंस होंगे। सो ये वॉच कुछ ऐसा दिख सकता है, 0.6, 0.1, 1.2, इस तरीके का दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो मेरा टारगेट है इस कॉर्पस के सारे वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब ये करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ डमी प्रॉब्लम। सो डमी प्रॉब्लम मैं क्यों ले रहा हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम वर्ड टू वेक यूज करते हैं तो उसका अंडरलाइंग अजम्पशन ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है द अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ वर्ड टू वेक इज दैट टू वर्ड्स शेयरिंग सिमिलर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो शेयर अ सिमिलर मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली अ सिमिलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली आइडिया ये है कि हमें ये जो वेक्टर में कन्वर्ट करना है ये कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक डमी प्रॉब्लम लेंगे। डमी प्रॉब्लम ये होगा कि हम किसी भी वर्ड को, लाइक मान लो फिलहाल हम 3 वर्ड्स का विंडो लेते हैं एक साथ में, 3 वर्ड्स का विंडो लेते हैं। लेट्स से मैंने ये 3 वर्ड्स लिए, ठीक है। अब इसमें जो 3 वर्ड्स में जो बीच वाला वर्ड है इसको मैं बोलूंगा टारगेट वर्ड, और ये जो वॉच है और ये जो फॉर है इनको मैं बोलूंगा कॉन्टेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तो बेसिकली द आइडिया इज दिस कि ये जो टारगेट वर्ड है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट वर्ड के साथ ही आएगा या इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। सो मेरा डमी प्रॉब्लम ये बन जाएगा कि गिवन कॉन्टेक्स्ट वर्ड
आई वुड ट्राई टू प्रिडिक्ट द टारगेट वर्ड, दिस विल बिकम माई प्रिडिक्शन प्रॉब्लम. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया पहले से कि मैं तीन तीन वर्ड्स का विंडो लूंगा. जो मेरा विंडो होगा वो तीन वर्ड्स का होगा, विच मीन्स देर वुड बी अ टारगेट वर्ड और उसके बगल में इस तरफ एक कॉन्टेक्स्ट वर्ड होगा, इस तरफ एक कॉन्टेक्स्ट वर्ड होगा. अगर मैंने फाइव वर्ड्स का टारगेट लिया होता तो बीच में एक सिंगल टारगेट वर्ड होता और दोनों साइड दो दो कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स होते. अगर मैंने लेट्स से फोर वर्ड्स का तो नहीं ले सकते, लेट्स से सेवन वर्ड्स का लिया होता तो सिंगल टारगेट वर्ड और तीन तीन आ जाते दोनों तरफ. ठीक है, आई थिंक यू गेट द आइडिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस चीज से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना ट्रेनिंग डेटा बनाना है. सो मैं ट्रेनिंग डेटा कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो. सबसे पहले मैं ये विंडो पकड़ूंगा, इन तीन वर्ड्स का विंडो पकड़ूंगा. ठीक है, अब इन तीन वर्ड्स के हिसाब से मेरा ट्रेनिंग डेटा ये होगा. जो इनपुट होगा जिसको हम एक्स बोलेंगे वो होगा वॉच कॉमा कॉमा, ऐसे ही लिख लिया, और फॉर. और जो प्रिडिक्शन होगा या होना चाहिए वो होगा कैंपस एक्स. ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस विंडो को स्लाइड करूंगा एक वर्ड से और मेरा नया विंडो बन जाएगा ये मेरा नया विंडो बन जाएगा. अब इस नए विंडो में अगर मैं फिर से लिखूं तो मेरा इनपुट हो जाएगा कैंपस एक्स और डेटा, और मेरा जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा बीच वाला वर्ड फॉर. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं फिर से एक वर्ड शिफ्ट करूंगा और इसको पकड़ूंगा, इस विंडो को, और इस विंडो में मेरा ट्रेनिंग डेटा हो जाएगा फॉर साइंस और मेरा जो आउटपुट होगा वो होगा डेटा. ठीक है, तो अभी मैंने इस पॉइंट तक क्या किया है कि डिपेंडिंग ऑन माय विंडो साइज विच इज थ्री, विंडो साइज को थ्री पकड़ करके मैंने एक ट्रेनिंग डेटा बना लिया. दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा. अब ये एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम बन चुका है कि इस इनपुट के लिए, इस आउटपुट के लिए मुझे एक मॉडल को ट्रेन करना है. ठीक है, और मैं जो मॉडल ट्रेन करूंगा वो एक डीप लर्निंग मॉडल होगा. ठीक है, सो देखो क्या करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड्स हैं इनको हम वन हॉट इनकोडेड वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सो वन हॉट इनकोडिंग वेक्टर बहुत सिंपल है. जैसे कि वॉच का वन हॉट इनकोडेड वेक्टर होगा 1 0 0 0 0. ठीक है, 1 0 0 0 0. कैंपस एक्स का हो जाएगा 0 1 0 0 0. फॉर का हो जाएगा 0 0 1 0 0. डेटा का हो जाएगा 0 0 0 1 0 और साइंस का हो जाएगा 0 0 0 0 1. ठीक है, यू गेट द आइडिया. सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रेनिंग डेटा के लिए एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं. ठीक है, वो न्यूरल नेटवर्क ऐसा दिखाई देगा. इनपुट में हमारे पास इस तरीके से 10 नोड्स होंगे. ठीक है, और यहां पर एक हिडन नोड होगा जिसमें तीन नोड्स होंगे. तीन नोड्स क्यों होंगे, क्योंकि मैंने शुरू में डिसाइड कर लिया है कि मेरा जो वेक्टर है इसमें तीन ही नंबर्स होंगे, दैट इज वाई यहां पे तीन होंगे. ठीक है, और आउटपुट में फिर से 5 नोड्स होंगे. ठीक है, और ये फुली कनेक्टेड होगा, ये जो न्यूरल नेटवर्क है फुली कनेक्टेड होगा, मतलब हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड होगा. ठीक है, यू गेट द आइडिया, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है. ठीक है, ये सारे के सारे वेट्स कनेक्टेड है. ठीक है, तो मैं काम करता हूं इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देता हूं. सो कॉम्पैक्ट फॉर्म ये होगा कि हमारे पास इस तरफ से 5 नोड्स हैं और इस तरफ से भी 5 नोड्स हैं, सो दैट हमारे दो वर्ड्स का जो इनपुट है वो हम आराम से ले पाए. ठीक है, फिर यहां पर मेरे पास एक तीन वर्ड्स का ये है हिडन लेयर, और फिर आउटपुट में 5 वर्ड्स का है, 1 2 3 4 5. ठीक है, अब अगर आप वेट्स की बात करो तो ये फुली कनेक्टेड है और इसका साइज होगा 5
क्रॉस थ्री, टोटल यहाँ पे इतने वेट्स होंगे। सिमिलरली अगर आप इसका बात करो तो यहां पर भी होगा 5 क्रॉस 3, और अगर आप इसका बात करो तो यहां पे होगा 3 क्रॉस 5 वेट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है, ये जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है, इसको मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये रो इनपुट करूंगा मेरे न्यूरल नेटवर्क में, ये रो मैं इनपुट करूंगा और प्रिडिक्शन करूंगा। ठीक है, सो देखो होगा क्या, वॉच के लिए मेरा इनपुट होगा 1 0 0 0 0। ठीक है, और इनिशियली ऑब्वियसली सारे वेट्स रैंडमली आप इनिशियलाइज करोगे, रैंडम इनिशियलाइजेशन होगा। यहां पर हम पास करेंगे फॉर, तो फॉर के लिए हो जाएगा 0 0 1 0 0। ठीक है, और ये वेट्स के थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, जैसे न्यूरल नेटवर्क में प्रिडिक्शन होता है। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट मैक्स लेयर होगा, दिस विल बी सॉफ्ट मैक्स लेयर। अगर आपने थोड़ा भी न्यूरल नेटवर्क पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सॉफ्ट मैक्स लेयर क्या करेगा, इन सारे नोड्स को एक प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा। तो हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, इसकी हो 0.3, इसकी हो 0.1, इसकी हो 0, इसकी भी हो 0। ठीक है, बट अब आप क्या करोगे, आप आउटपुट से कंपेयर करोगे, एक्चुअल आउटपुट क्या होना चाहिए था कैंपस एक्स। तो यहाँ पे जो 5 नोड्स हैं, ये एक्चुअली 5 इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी टोटल वोकैबलरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये जो पहला वाला वर्ड है, ये पहला जो नोड है, ये कैंपस एक्स, ये वॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरा है वो कैंपस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लास्ट वाला साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट इनपुट, ये जो आपका फर्स्ट रो है, इसके लिए आपका आउटपुट कैंपस एक्स होना चाहिए था, मतलब इसका आउटपुट होना चाहिए था 0 1 0 0 0। बट लेट्स से आपका आउटपुट ये आया, तो अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों से लॉस कैलकुलेट करोगे कि कितना ऑफ है मेरा मॉडल। आप ये लॉस कैलकुलेट करोगे और उस लॉस से आप बैक प्रोपोगेशन करोगे। अगेन ये सब न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप बैक प्रोपोगेट करोगे एरर को, और ये जो वेट्स हैं इनको आप चेंज करोगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, सेकेंड वाले इनपुट को पास करोगे। यहाँ पे सेकेंड वाले इनपुट के लिए फिर से कुछ आउटपुट आएगा, और उस आउटपुट को आप कंपेयर करोगे ओरिजिनल वाले आउटपुट से, और जो भी लॉस है उसको फिर से बैक प्रोपोगेट करोगे, और ऐसा आप बार बार करते चले जाओगे फॉर मल्टीपल ईपॉक्स। ठीक है, और द आइडिया ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज इज टू एडजस्ट दीज वेट्स, टू एडजस्ट दीज वेट्स, सो दैट ये जो लॉस आ रहा है, बार बार ये जो लॉस आ रहा है, इसको आपको रिड्यूस करना है। सो देर वुड बी अ पॉइंट जब आपका लॉस एकदम रिड्यूस हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो आपके वेट्स होंगे वही वेट्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि एम्बेडिंग्स कहाँ पर है, द आंसर इज दिस, एम्बेडिंग्स यहाँ पे छुपी हुई है, ये है वेक्टर जो हमें चाहिए। सो अगर आप इस सेक्शन को उठाओ, 3 क्रॉस 5 वाले को, ये जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वॉच, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैंपस एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस। ठीक है, और ये फुली कनेक्टेड है बाय द वे, सो ये वेट्स फुली कनेक्टेड है। ठीक है, लाइक दिस, ये फुली कनेक्टेड है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। अब जब आपका न्यूरल नेटवर्क पूरा ट्रेन हो जाएगा, तो इन सारे वेट्स को कुछ एक वैल्यू असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ये जो वॉच वर्ड है इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो गेस व्हाट, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होंगे इन तीनों नोड से जो ये वेट्स आ रहे हैं। सी, वॉच का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा W1 W2 और W3, ये जो तीनों वेट्स का वैल्यू है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई फॉर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो फॉर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इन तीनों वेट्स का वैल्यू, इन तीनों वेट्स का जो भी वैल्यू है वही फॉर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई पूछ ले साइंस का वैल्यू क्या है, तो ये जो तीनों वेट्स होंगे, ये जो तीनों वेट्स होंगे, इन तीनों वेट्स का जो वैल्यू होगा वही आपका साइंस का वैल्यू हो जाएगा।
ठीक है। अब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने डायमेंशन का चाहिए है। अब आप चाहते हैं तो इस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में यू कुड हैव एडेड लेट्स से 5 हिडन नोड्स। तो इन दैट केस हर वर्ड को 5 वेक्टर डायमेंशंस मिलते, ठीक है। अभी हमारे केस में सिर्फ 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि न्यूरल नेटवर्क ट्रेन क्या हो कैसे होता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इजी। ये सब कुछ इंटरनली लाइब्रेरीज आपको करके दे देती हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ सीबॉ एज इन कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स वर्क, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये सेम कॉन्सेप्ट यूजिंग स्किप ग्राम। सो गाइस, स्किप ग्राम में आप बेसिकली जो भी आपने सीबाओ में किया है आप उसका उल्टा कर देते हो, ठीक है। फिर से आपको वेक्टर्स निकालने हैं। वेक्टर्स निकालने के लिए आप एक डमी प्रॉब्लम लेते हो और इस बार आप अपने डमी प्रॉब्लम को रिवर्स कर देते हो। सो डमी प्रॉब्लम इस बार क्या है कि गिवन टारगेट वर्ड्स यू हैव टू प्रिडिक्ट द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स, ठीक है। अगर आपके पास फिर से सेम स्टेटमेंट है वॉच कैंपस एक्स फॉर डेटा साइंस और आपका विंडो फिर से लेट से 3 वर्ड्स का है तो आप बिल्कुल वैसे ही स्लाइड करोगे हर बार जैसे फर्स्ट टाइम आप इन तीनों को ले लोगे, ठीक है। और आपका टारगेट वर्ड है वो आपका इनपुट बन जाएगा और आपका जो कॉन्टेक्स्ट वर्ड है वो आपका आउटपुट बन जाएगा। फिर आप एक वर्ड से फिर से स्लाइड करोगे, फिर से आपका टारगेट वर्ड इनपुट बन जाएगा और कॉन्टेक्स्ट वर्ड आपके आउटपुट बन जाएंगे। फिर एक वर्ड से आप स्लाइड करोगे, फिर से आपका टारगेट वर्ड इनपुट बन गया और आपके कॉन्टेक्स्ट वर्ड आउटपुट बन गए। और इसीलिए इस बार आपके न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर भी जो है वो उलट गया, ठीक है। सो इस बार आप इनपुट में आपके पास 5 नोड्स हैं, हिडन आपके पास फिर से 3 ही नोड्स हैं और आउटपुट में इस बार आपके पास 10 नोड्स हैं, ठीक है। सो आप क्या करोगे, पहले कैंपस एक्स का 1-hot encoding भेजोगे। जैसे कैंपस एक्स का 1-hot encoding होगा 0 1 0 0 0, ठीक है। ये सारे वेट्स होंगे 5x3 और ये भी सारे वेट्स होंगे 3x5 3x5। और इनिशियली आप रैंडम वैल्यूज के साथ स्टार्ट करोगे इन वेट्स के साथ और आपको प्रिडिक्ट करना है यहाँ पर यू हैव टू प्रिडिक्ट वॉच एंड यहाँ पर यू हैव टू प्रिडिक्ट फॉर पहले वाले ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स होगा तो जिसकी वजह से कुछ वैल्यूज आएंगी, मान लो कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही हैं और आप उसको ओरिजिनल वाले से कंपेयर करोगे। सो ओरिजिनल ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप फिर से लॉस कैलकुलेट करोगे, लॉस कैलकुलेट करके आप बैक प्रोपोगेट करके इन वेट्स को एडजस्ट करोगे, फिर इन वेट्स को एडजस्ट करोगे, फिर आप अगला ट्रेनिंग सैंपल भेजोगे, उसके बाद फिर अगला भेजोगे और ऐसा आप मल्टीपल ईपॉक्स में करोगे। और एट द एंड क्या होगा, आपके सारे वेट्स इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे कि ये लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। और उस केस में आपके पास यहाँ पर जो आपके पास जो वेट्स हैं वही आपके एम्बेडिंग्स बन जाएंगे। सो अगर आप फिर से इसको उठाओ तो जैसे ये वर्ड है वॉच, दिस इज वॉच, तो वॉच के कॉरस्पॉन्डिंग आपके जो भी वेट्स हैं वही आपके वॉच का वेक्टर फॉर्म ले लेगा, ठीक है। बेसिकली सेम है, बस पूरा का पूरा आर्किटेक्चर हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अब आप पूछोगे कि बहुत सिमिलर है सब कुछ तो फिर दो अलग आर्किटेक्चर्स क्यों यूज हुए, क्योंकि थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि कब सीबाओ यूज करना चाहिए और कब स्किप ग्राम यूज करना चाहिए, तो ये रिसर्च में प्रूवन है कि इफ यू आर वर्किंग विद स्मॉल डेटा, इफ यू आर वर्किंग विद स्मॉलर डेटा देन यू शुड सेलेक्ट सीबाओ, क्योंकि सीबाओ थोड़ा फास्ट होता है और छोटे डेटा के ऊपर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। इफ यू आर वर्किंग विद लार्ज डेटा तो यू शुड बी सेलेक्टिंग स्किप ग्राम, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स स्किप ग्राम देता है, ये प्रूवन है रिसर्च में, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ख्याल रखना है। उसके बाद एक दो चीजों का ख्याल आपको और रखना है कि अगर आप अपने वर्ड टू वेक एम्बेडिंग्स की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो कुछ फैक्टर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें से पहला है टू इंक्रीज द ट्रेनिंग डेटा। ये तो बहुत ऑब्वियस पॉइंट है कि अगर आपके पास खूब सारा ट्रेनिंग डेटा होगा
तो आपका वर्ड टू वेक के जो वेक्टर्स होंगे वो भी बहुत सही आपको रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। सेकंड, ये प्रूवन है कि अगर आप ये जो आपका हिडन लेयर है इसका अगर आप नोड्स बढ़ा देते हो, बेसिकली अगर आप अपने वेक्टर्स का डायमेंशन बढ़ा देते हो, तो उससे भी कभी कभी फायदा होता है, ठीक है। सो इंक्रीज डायमेंशन ऑफ वेक्टर्स, इससे भी आपका वर्ड टू वेक इंप्रूव कर जाता है, ठीक है। और एक चीज और होती है, ये विंडो साइज को अगर आप बढ़ा दो, मतलब मान लो आपने इसको 5 कर दिया, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, टारगेट वर्ड के दोनों साइड दो दो वर्ड्स ले रहे हो, या फिर आपने 7 कर दिया, मतलब दोनों साइड तीन तीन वर्ड्स ले रहे हो, तो ये जो विंडो साइज है इसको भी बढ़ाने से क्या होता है, आपका आउटपुट इंप्रूव कर जाता है, इंक्रीज विंडो साइज। बट इससे थोड़ा ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आने लगता है और टाइम भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यही दो आर्किटेक्चर्स हैं, सीबाओ और स्किपग्राम, जो आपको पढ़ना था और आपको समझ में आना चाहिए। अब ऑनेस्टली हो सकता है अगर आपने डीप लर्निंग नहीं पढ़ा है पहले, तो ये पूरा चीज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सो आई विल सजेस्ट सम लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे, जहाँ पे मैंने डीप लर्निंग के बेसिक्स पढ़ाए हैं। अगर आप एक बार वो पढ़ लोगे तो आपको फिर थोड़ा ईजी लगने लगेगा, ठीक है। अब हमने इनफ थ्योरी पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि वर्ड टू वेक कैसे काम करता है। अब मैं आपको क्या करूंगा, एक खुद के डेटा पे, एज इन गेम ऑफ थ्रोन्स के डेटा के ऊपर आई विल शो यू कि खुद का मॉडल कैसे ट्रेन करना है और उसको यूज करना है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो गाइज, अब हमने दोनों आर्किटेक्चर समझ लिए। सो इन शॉर्ट, हमें थोड़ा आइडिया हो चुका है कि वर्ड टू वेक कैसे काम करता है। सो नाउ दिस इज अ राइट टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप खुद के डेटा के ऊपर वर्ड टू वेक मॉडल को कैसे ट्रेन करते हो यूजिंग द जेनसिम लाइब्रेरी, ठीक है। सो चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि एक बहुत पॉपुलर टीवी सीरीज है, उसके जो बुक्स हैं उसके टेक्स्ट के ऊपर आई विल ट्रेन अ मॉडल, वर्ड टू वेक मॉडल। और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो यू वुड फाइंड सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। सो सी, द फंडा इज वेरी सिंपल। कैगल से मुझे ये डेटा सेट मिला, गेम ऑफ थ्रोन्स बुक्स बोल के, जहां पे आपके पास पांच फाइल्स हैं। ये पांच फाइल्स हैं और हर फाइल एक टेक्स्ट फाइल है, और उस टेक्स्ट फाइल में उस बुक का सारा कंटेंट है। सो अगर आपको पता होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स की पांच बुक्स हैं अभी तक, और उन पांचों बुक्स का कंटेंट, पांच है या छह, आई डोंट रिमेम्बर, यहाँ पर सारा कंटेंट है। जैसे ये बुक वन का सारा कंटेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टेक्स्ट फाइल है। सिमिलरली सेकेंड वाला भी एक बहुत बड़ा टेक्स्ट फाइल है। ये बुक का नाम लिखा है क्लैश ऑफ किंग्स, अ स्टॉर्म ऑफ सोर्ड्स और अ फीस्ट फॉर क्रोस, अ डांस विद ड्रैगन्स, ठीक है। ये पांच बुक्स हैं हमारे पास। सो मैंने क्या किया, इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया और मेरे पास एक फोल्डर है डेटा बोल के, मैंने उसके अंदर इनको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे का कोड मैं आपको वॉक थ्रू देता हूँ कि क्या किया मैंने। सो सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, कर ली। सेकेंड, सिंस मैं फर्स्ट टाइम मेरे जुपिटर नोटबुक में जेनसिम के ऊपर काम कर रहा था, मैंने उसको इंस्टॉल किया यूजिंग दिस कमांड। उसके बाद मैंने दो और लाइब्रेरीज इंस्टॉल की। सबसे पहले मैंने इंस्टॉल किया जेनसिम, आई एम सॉरी, इम्पोर्ट किया जेनसिम, और फिर ओएस मॉड्यूल को भी इम्पोर्ट किया, बिकॉज मुझे फाइल्स के साथ काम करना है। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्ट्स हैं। उसके बाद मैंने स्टोरी बोल करके एक लिस्ट बनाया जो कि फिलहाल एम्प्टी है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा जो डेटा फोल्डर है, ये जो डेटा फोल्डर है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको फेच किया, ठीक है। और लूप में हर बार मैंने क्या किया, एक एक फाइल को ओपन किया और उसके कंटेंट को रीड किया, ठीक है। सो टोटल पांच फाइल्स हैं, तो ये वाला लूप पांच बार घूम रहा है। सो फर्स्ट टाइम जब घूम रहा है तो ये पहली वाली बुक का कंटेंट उठा रहा है और कॉर्पस में स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंस कॉर्पस इज बेसिकली दिस, ये जो पूरा कंटेंट है यही कॉर्पस है। जब पहली बार लूप चलेगा तो कॉर्पस में ये पूरा कंटेंट होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सेंटेंस टोकनाइज किया। मैंने आपको दो वीडियोस पहले बताया था कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है आप उसको सेंटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हो यूजिंग द एनएलटीके लाइब्रेरी, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस में ब्रेक कर दिया, अब मेरे पास सेंटेंसेस आ गए, उस बुक के सारे सेंटेंसेस अलग हो गए। फिर मैंने क्या किया, हर सेंटेंस को उठाया और
एक फंक्शन है सिंपल प्री प्रोसेस बोल के, जो कि जेनसिम के अंदर आता है, उसके अंदर भेज दिया मैंने हर सेंटेंस को। तो जो भी बेसिक लेवल प्री प्रोसेसिंग चाहिए होता है वो प्री प्रोसेसिंग हो गई, और सब कुछ होने के बाद मैंने जो मेरा स्टोरी वाला लिस्ट था उसमें उस सेंटेंस को स्टोर कर दिया, और ऐसा मैंने पांचों बुक्स के लिए किया। तो दैट इज वाई जब मैंने फाइनली ये लूप कंप्लीट किया तो आप देखोगे स्टोरी के अंदर टोटल मिला के 14,000, एक्चुअली 1,45,000 सेंटेंसेज हैं। ठीक है, इतने टोटल सेंटेंसेस है मेरे पास। इनफैक्ट मैं आपको स्टोरी कैसा दिख रहा है वो दिखाता हूँ। मैं, यू कैन सी, ये एक 2D लिस्ट है जहाँ पे आउटर लिस्ट के अंदर 1,45,000 और सेंटेंसेस है, और फिर आप अगर अंदर देखो तो हर जो सेंटेंस है वो टोकनाइज्ड है। लाइक दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, और ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है यहाँ तक। आई एम सॉरी, एक काम करते हैं, आप इस सेंटेंस पे भी फोकस कर सकते हो। जैसे ये एक छोटा सेंटेंस है, द वाइल्डिंग्स आर डेड, तो आई गेस ये कहीं यहां से उठाया होगा, अभी क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट या सिमिलरली ये भी एक सेंटेंस है। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि अगर आप पूछो कि स्टोरी के अंदर क्या स्टोर है, तो पूरे के पूरे पांचों बुक्स में जितने भी सेंटेंसेस थे हमने वो सारे अलग कर लिए, और सेंटेंसेस को भी मैंने टोकनाइज कर दिया इनटू वर्ड्स। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके में मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा मेन काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैंने एक मॉडल बिल्ड किया। सो मॉडल कैसे बिल्ड किया, जेनसिम डॉट मॉडल्स के अंदर वर्ड टू वेक बोल के एक क्लास है, मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो तीन चीजें प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि फर्स्ट है विंडो। तो विंडो इक्वल टू 10 का मतलब है कि आप जो प्रिडिक्शन करोगे सेंटर वर्ड का, तो आप दोनों साइड 10 10 वर्ड्स लोगे। ठीक है, ये हमने देखा था कि लेट्स से हमारे पास विंडो इक्वल टू मान लो 1 है, तो हाय हाउ आर यू मिस्टर, मान लो ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, तो जब विंडो इक्वल टू 1 होगा तो हम बेसिकली स्लाइडिंग करेंगे। सबसे पहले हम इन तीन वर्ड्स को लेंगे, ये हमारा आउटपुट होगा, और ये दोनों हमारे कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स होंगे। एक एक वर्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विंडो 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों को पकड़ेंगे, आर हमारा प्रिडिक्शन होगा, हाउ और यू आपका विंडो वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इस विंडो को पकड़ेंगे जहाँ पे आर और मिस्टर कॉन्टेक्स्ट वर्ड हो जाएंगे, यू को हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, अगर विंडो 2 होता तो हम दो वर्ड इस साइड लेते और दो वर्ड इस साइड लेते। ठीक है, इस तरीके से हम स्लाइडिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है। सेकेंड, मिनिमम काउंट 2 इक्वल टू, मतलब हम वही सेंटेंसेस लेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 वर्ड्स होंगे। ठीक है, वर्कर इक्वल टू 2, एक्चुअली आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोसेसर में कितने कोर्स हैं, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो आपको सारे पैरामीटर्स दिखाई देंगे। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वेक्टर साइज, जो आपको आउटपुट वेक्टर्स मिलेंगे आपके वर्ड्स के, आप उसको कितने साइज का चाहते हो। ठीक है, तो मुझे फिलहाल 100 का चलेगा, आप चाहो तो उसको 200 300 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, जैसे डिफॉल्ट वर्कर्स 3 है, आप जा करके इनको एक बार रीड आउट कर सकते हो, ऑल्दो मैं बहुत बेसिक सेटिंग के साथ ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेरा मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वोकैबुलरी बिल्ड कर रहा हूँ। सो मेरे कॉर्पस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं उनमें से यूनिक वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा यूजिंग बिल्ड वोकैब फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टोरी को पास कर दिया जिसमें मेरा पूरा का पूरा कॉर्पस है। ठीक है, अब लास्ट स्टेज में मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेज में मॉडल डॉट ट्रेन फंक्शन को कॉल करना है टू ट्रेन माई डीप लर्निंग मॉडल। यहाँ पे सबसे पहले मैं पास कर रहा हूँ अपना पूरा कॉर्पस, उसके बाद मुझे बताना है कि टोटल एग्जाम्पल्स कितने हैं। टोटल एग्जाम्पल्स का मतलब कितने सेंटेंसेस हैं आपके पूरे के पूरे कॉर्पस में, तो वो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो यूजिंग दिस एट्रीब्यूट मॉडल डॉट कॉर्पस काउंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको बस बताना है कि आपके नंबर ऑफ ईपॉक्स कितने होंगे। सो अगर आपने डीप लर्निंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी आप डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हो तो वहां पे एक ईपॉक्स प्रोवाइड करने होते हैं। बेसिकली ईपॉक्स का मतलब है कि आपका मॉडल ट्रेन होते टाइम आपके डेटा के ऊपर कितनी बार आइटरेट करेगा। सो बाय डिफॉल्ट मॉडल डॉट ईपॉक्स अगर आप फेच करो तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू इज 5, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, बट हम इसको 5 ही रख रहे हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। इतना करके आप जैसे इस कोड को रन करोगे,
थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज डेटा सेट थोड़ा बड़ा है, और उसके बाद ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा, और मॉडल ट्रेन होने के बाद अब आपके पास आपका वर्ड टू वेक मॉडल आ चुका है, और उसको आप एक्सेस करोगे यूजिंग दिस सिंटेक्स, मॉडल डॉट WV, WV मतलब वर्ड टू वेक, और उसके बाद डॉट मार के आपको सारे के सारे वो फंक्शंस मिल जाएंगे जो आपने थोड़ी देर पहले देखे थे. ये देखो, दीज आर ऑल द फंक्शंस. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ मोस्ट सिमिलर वाला फंक्शन, जो कि एक गिवन वर्ड के सबसे सिमिलर जो वर्ड्स हैं वो आपको निकाल के देता है. सो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो आपको शायद पता होगा डेनेरिस के बारे में, और डेनेरिस को आप जैसे ही सर्च करते हो, जो नियरेस्ट वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेन्ड मॉडल, इट इज स्टॉर्मबॉर्न, अनबर्न्ड, टारगेरियन, प्रिंसेस, क्वीन. ये सारे वर्ड्स अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखे होंगे तो शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, डेनेरिस के साथ ये सारे वर्ड्स लॉजिकली कनेक्टेड हैं. ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं जो मैं ट्राई आउट कर रहा था, जैसे कि एक फंक्शन है डजेंट मैच बोल के, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था शायद, जो कि आपको ऑड वन आउट निकाल के देता है. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारी के सारे जो स्टार्क ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, अगर अगर आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स अगेन तो आपको समझ में आएगा, मैंने सबका नाम डाल दिया, जॉन, रिकॉन, रॉब, आर्या, सानसा एंड ब्रैन, और मैंने बोला कि बताओ इनमें से अलग कौन है. और सिंस मेरा मॉडल बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड है, उसने फिगर आउट कर लिया कि जॉन इनमें से सबसे अलग है, एंड आई गेस आप लोगों को पता है उसका रीजन, क्योंकि जॉन एक्चुअली इज नॉट अ स्टार्क, उसको अडॉप्ट किया गया था, जबकि बाकी सारे के सारे भाई बहन लाइक ओरिजिनल थे, जो भी वर्ड होगा. सिमिलरली मैंने एक और बार डजेंट मैच को कॉल किया, और इस बार मैंने सर्सी, जेमी और टेरियन के साथ, ये तीनों भाई बहनों के साथ, ब्रॉन को रखा जो कि एक अलग कैरेक्टर है, एंड अगेन उसने फिगर आउट कर लिया कि ब्रॉन इज द ऑड वन आउट. ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप बस ये लिख सकते हो, मॉडल डॉट WV, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जो भी वर्ड यहाँ पे पास करना है. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे किंग लिखूंगा तो मुझे किंग का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और इस वेक्टर में टोटल मिला के 100 डायमेंशन होंगे, क्योंकि हमने ऊपर 100 डायमेंशन ही सेट किया था. ठीक है, आई गेस आपको ये चीज समझ में आ रही है. ऑल्सो कुछ और चीजें चेक करने के लिए मैंने सिमिलैरिटी फंक्शन को कॉल किया टू सी कि मेरा मॉडल कितना बढ़िया ट्रेंड है. सो सबसे पहले मैंने आर्या और सांसा, जो दो बहनें थी, उनका सिमिलैरिटी निकालने का ट्राई किया, एंड यू कैन सी द सिमिलैरिटी इज 0.85, वेरी क्लोज टू वन, और लॉजिकल भी है बिकॉज ये दोनों बहनें हैं तो इनके बीच में सिमिलैरिटी होना ही था. फिर मैंने सिंस मुझे कहानी पता है तो मैंने सर्सी और सांसा के बीच में सिमिलैरिटी निकालने का ट्राई किया, जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट दोनों ही रॉयल लेडीज हैं तो थोड़ी सिमिलैरिटी फिर भी थी, और 0.73 आया. ठीक है, फिर मैंने एकदम ही अलग दो कैरेक्टर्स को पकड़ा, लाइक टाइविन एंड सांसा. सो टाइविन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सांसा, एंड दैट इज वाई द सिमिलैरिटी इज सो लो. ठीक है, तो ये आप ट्राई आउट कर सकते हो, जिसको भी गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, आप ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो आप निकाल सकते हो. इसके बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज की, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन सारे वर्ड्स को एक 3D स्पेस में प्लॉट करने का ट्राई किया. सो अभी तक मैंने क्या किया था कि मैंने GOT में मेरे जितने भी वर्ड्स थे उन सबको मैंने 100 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, और फिर मैं सिमिलैरिटी वगैरह निकाल के आपको दिखा रहा था, बट मुझे ये नहीं पता कि विजुअली ये वेक्टर्स कैसे दिखाई देते हैं, और मैं देख भी नहीं सकता बिकॉज ये 100 डायमेंशन में है, आई कैन नॉट प्लॉट अ ग्राफ. ठीक है, मैं इनको प्लॉट कर सकता था अगर ये 2 डायमेंशन में होते, या फिर मैक्स टू मैक्स 3 डायमेंशन में होते. ठीक है, बट हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो 100 डायमेंशन में है, तो हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? आई गेस आपको आंसर पता है, अगर आपने थोड़ा भी मशीन लर्निंग पहले पढ़ा होगा तो आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक्स यूज कर सकते हो, जैसे कि PCA, या फिर आप यूज कर सकते हो TSNE. ठीक है, तो सिंस PCA बहुत ईजी है, मैंने PCA अप्लाई किया और 100 डायमेंशन से मैं 3 डायमेंशन में आ गया. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया मैंने ये पूरा चीज. सबसे पहले अगर आपको अपने सारे के सारे वर्ड्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एक साथ चाहिए तो आपके पास ये फंक्शन है गेट नॉर्म्ड वेक्टर्स. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप इसका शेप निकालो, बाय द वे दिस इज अ 2D नंपाई एरे, अगर आप इसका शेप निकालो तो द शेप वुड बी 17,453,100. ठीक है, सो 17,453 क्या है, ये मेरा टोटल
GOT में यूज होने वाले यूनिक वर्ड्स हैं। सो टोटल मेरे पास 17,453 वर्ड्स हैं जिनका मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया। दैट इज वाई मेरे पास जो डेटा है वो है 17,453,100, इतने वेक्टर्स 100 डायमेंशन में। ठीक है, सो अब मगर मुझे पता करना है कि ये फर्स्ट वाला जो वेक्टर है, लाइक ये जो वेक्टर है ये कौन से वर्ड का है। अगर मुझे ये निकालना है तो मेरे पास उसके लिए भी एक फंक्शन है, फंक्शन नहीं एक्चुअली एट्रीब्यूट है, इंडेक्स टू की बोल के। सो मैंने क्या किया, मॉडल डॉट डब्ल्यू वी डॉट इंडेक्स टू की करके वाई में स्टोर कर दिया, और वाई में अगर आप देखो तो ये रहे वो 17,000 वर्ड्स। ठीक है, आई विल शो यू जस्ट वन सेकेंड। अगर आप इसका लेंथ निकालो, सिंस इट इज अ पाइथन लिस्ट, ये उतना ही है। ठीक है, सो यहां से आप पता कर सकते हो कि कौन सा वेक्टर किसका है। जैसे पहला है द, सो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये द का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा होगा द तो स्टॉप वर्ड है, एक्चुअली मैंने स्टॉप वर्ड्स हटाए नहीं है। ठीक है, सो आप जब इस कोड को ट्राई आउट करना तो एक चेंज करना, जब आप यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर सकते हो। मैंने आपको सिखाया स्टॉप वर्ड्स कैसे रिमूव करना है, स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर देना और फिर आपको ये द वगैरह वर्ड्स नहीं मिलेंगे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, द एंड टू ऑफ। ठीक है, यहीं पर बीच बीच में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पेसिफिक हैं। ठीक है, जैसे टीरियन ये कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन्स में। सिमिलरली आप और नीचे जाते जाओगे तो आपको इस तरह के और कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे, आर्या। ठीक है, सो फिर मैंने क्या किया कि पीसीए अप्लाई किया। सबसे पहले मैं पीसीए को इंपोर्ट किया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 रखे क्योंकि मुझे 3D में लेके आना है, और मैंने फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर गेट नॉर्म्ड वेक्टर जो मेरा 2D एरे है उसको पास कर दिया, और ये देखो गाइस ये रहा मेरा आउटपुट। अब अगर मैं इस एक्स का शेप निकालू तो द शेप इज 17,453, जितने वर्ड्स थे अभी भी उतने ही है, बट मैंने उनका डायमेंशन रिड्यूस करके 100 से 3 पे ले आया। ठीक है, और लास्टली मैंने क्या किया, मैंने उसको प्लॉट करने का ट्राई किया। अब 17,000 वर्ड्स प्लॉट नहीं हो सकते थे एक साथ, मेरा मशीन रोने लग गया, इसलिए मैंने सिर्फ पहले 100 वर्ड्स जो सबसे फ्रीक्वेंट 100 वर्ड्स थे उनको प्लॉट किया, एंड यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट। जस्ट वन सेकेंड, यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, सो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो जो टॉप 100 वर्ड्स हैं उनको मैंने कंपेयर किया है। जैसे अगर आप देखो ये दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर हैं, जैसे कि डाउन एंड अप, ये दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर हैं इसलिए एक साथ हैं। सिमिलरली इनटू, ऑफ, ये भी साथ में है। इन दोनों को देखो, सर एंड लेडी, ये दोनों भी साथ में हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाओ आईज देन बैक, यहाँ पर आप जाकर के कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देख सकते हो। इनटू, सेड, टोल्ड, थॉट, ये सारे साथ में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, द, देयर, यहीं पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग और देखा था, फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है वो। इज, नो, कोई कैरेक्टर अगर दिखता तो सही रहता। अगेन अगर आप एक बार स्टॉप वर्ड्स हटा के ट्रेन करोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाई देगा, फिलहाल यहाँ पर उतनी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे दिख नहीं रही हैं। जैसे कि एक भी कैरेक्टर आया नहीं एक्चुअली, अदरवाइज थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। आप चाहो तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, लाइक आप चाहो तो 200 से 300 के बीच में भी रख सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग इसमें आता है कि नहीं, मैंने बेसिकली 200 से लेके 300 तक जो वर्ड्स हैं उनको निकाला। सो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, जैसे हैंड्स, स्टैनस, कैटलिन, रॉबर्ट। सो एक काम करते हैं, लेट्स सी, ईयर्स, ब्रदर्स, मोस्ट, जो भी है गाइज, आपके पास ये नोटबुक रहेगा, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिलहाल सिंस वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और साथ ही साथ मैं खोजूंगा तो इट वुड टेक सम टाइम। लैनिस्टर, मदर, नेम, शैल, जो भी है, दिस इज द आउटपुट एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आई मीन स्टॉप वर्ड्स हटा के काम करो तो। ठीक है, सो या दिस इज द आउटपुट जो भी हमने पढ़ा। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। सो गाइज इस लेक्चर का असाइनमेंट मैं बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ।
असाइनमेंट बस इतना है कि आपको अपने पसंद का टेक्सचुअल डेटा सेट उठाना है, कोई भी उठा लो आप। मैं रिकमेंड करूँगा आप फ्रेंड्स जो एक शो है, आप उसका स्क्रिप्ट का जो डेटा सेट है वो उठा लो और उसके ऊपर आप वर्ड टू वेक अप्लाई करके देखो, ठीक है? और उसके बाद जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कर सकते हो, खुद से सोचो, जितना एंजॉय करोगे उतना ज़्यादा डिस्कवर करोगे। दैट इज़ द कोर आइडिया ऑफ दिस असाइनमेंट, ठीक है? इसीलिए मैं आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा कि आप यही डेटा सेट यूज़ करो या फिर वो डेटा सेट यूज़ करो, इट्स अप टू यू। जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है आप उस डेटा सेट को यूज़ करो और उसके ऊपर वर्ड टू वेक मॉडल खुद का बनाओ और फिर उसके साथ जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो आप करो, ठीक है? सो दैट इज़ द असाइनमेंट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप करोगे एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर। सो थोड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ कि हमने इतना कुछ कवर किया है इस पूरे साल में, और इस कोर्स को भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर से राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीक, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।